नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आज 30 एप्रिल शुक्रवार। प्रतिदिन पर आज मध्य आपण आसीच्छ सकाळ समस्त मुख्य खबर। सब खबर गुरुत्वपूर्ण एवं कम रोटे भिडियो को शेष पर्यंत देखु। आज समस्त मुख्य खबर जानपारे। सहित चैनल को नुआकर आसते सब्सक्राइब कर दिंतु प्रतिदिन खबर जानवापी। नंबर एक, कोरोना काल में ड्रॉप आउट चिंता। घर को घर बुली सर्वे करेंगे शिक्षक। स्कूल खोली पारुनी, क्लासरूम शिक्षा भी होनी। एभली स्थिति में उभय केन्द्र और राज्य सरकार को घेरला ड्रॉप आउट चिंता। कोरोना काल में पिलाने अधारू पाठ छाड़ने आशंका प्रकाश पाई। देशर केतेक स्थान में शिशु श्रमिकों संख्या बढ़ुच्छे। विशेषकर आदिवासी अधिषित अंचल पिलाने अधारू पाठ छाड़ केन्द्र शिक्षा मंत्रालय विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग चिंता प्रकट कर अधारू पाठपढ़ा छाड़ी कि आदो स्कूल माड़ पिला डाटाबेस प्रस्तुत करने को जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दीजिए। स्कूल परिचालना कमिटी सहायतार शिक्षक शिक्षयित्री घर को घर बुली पिला तथ्य संग्रह करने सहित मे 15 सुधा ए संपर्क में जनवाक कह। नंबर दुई, मृत कोरोना योद्धा परिवार को राज्य सरकार देवे 50 लाख टंकार सहायता। राज्य में द्वितीय पर्याय कोरोना महामारी संक्रमण को देखी राज्य सरकार मृत कोरोना योद्धा परिवार को 50 लाख टंकार आर्थिक सहायता जगैदे। गत वर्ष राज्य सरकार मृत कोरोना योद्धा को आर्थिक सहायता देवाक निष्पत्ति नहीं पुणि थे कोरोना संक्रमण मामला वृद्धि पाथ्वर सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्ष जारी विज्ञप्ति अनुसार कोरोना मुकबिले संपुक्त व्यक्ति अबा कर्मचारी मृत्यु हेले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज रे समानको परिवार को 50 लाख टंकार बीमा राशि मिलिबो। आ जे मृत कोरोना योद्धा माने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत बीमा राशि पाइबा को हकदार हेबेनी समानको राज्य सरकार निज पांठिरु 50 लाख टंका लेखाएं सहायता देबे। नंबर तीन, बदलिबो सरकारी आईटीआई रो रूप। छात्र छात्री को मागणा वाईफाई। 49 सरकारी आईटीआई रे भित्तिभूमि विकाश दिगरे राज्य सरकार एकाधिक कार्यक्रम हाथ को नहीं। छात्र छात्री मानको गुणात्मक शिक्षा सहित कैंपस मागण वाईफाई और इंटरनेट सुविधा जगाई देवा निष्पत्ति। कोरोना भली महामारी समय जेपरी ऑनलाइन क्लास माध्यम रे पिला माने पढ़ी पारे ताकु नहीं पाठ्यक्रम प्रस्तुत हो। प्रशिक्षक मानक द्वारा डिजिटल विषय वस्तुर सर्वोच्च उपयोगिता संपर्क में समस्त आईटीआई अध्यक्ष निश्चित करेंगे जहाँकि निर्देशालय डैशबोर्ड उपलब्ध रही। नंबर चारि, आज 8 जिला को रही कालबैशाखी भय। आज प्राय 8 जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा और घूर्णिझड़ संभावना रही। गतकाल अपराह में भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् जारी एक सतर्क सूचन कहुई। आज राज्यर मलकानगि, कोरापुट, गजपति, गंजाम, कंधमाल, मयूरभंज और जाजपुर प्रभृति 8 जिलार अनेक स्थान में वज्रपात और कुआपथर वर्षा सहित विजुड़ी और घड़घड़ी सह कालबैशाखी होवार संभावना रही। यहाँ देखिए 8 जिला को येलो वार्निंग जारी करने सहित कालबैशाखी और वज्रपात समय घर भितर पदा को न बाहर परामर्श देखिए पापाग विभाग। नंबर पांच, एप्रिल 418 अमानिया गिरफ। 5.5 कोटी जरिमाना आदाय कहले डीजी। समस्त को सुरक्षापी कोविड नियम पालन करने को राज्य पुलिस महानिर्देशक अभय लोकमानंकु निवेदन करिछन्ते। चलित एप्रिल मास रे मास्क न पिंधिबारु प्राय 5.24 कोटी टंकार जरिमाना आदाय होइछे। मास्क न पिंधिबा मो सामाजिक दूरत पालन न करिया पई मोट 5.6665,000 टंकार जरिमाना आदाय करा जाइछे। अन्य पक्षरे कटकणा मानु नथिबारु 350 दोकानी कोचिंग सेंटर को सील करा जाइछे एवं प्राय 418 जन को गिरफ करा जाइछे। सेहिपरि एप्रिल मास रे 18,000 अधिक गाड़ी जब्त एवं 7 कोटी अधिक फाइन आदाय होइछे। अन्य पक्षरे एप्रिल 1300 अधिक अबकारी मामला मध्य रुजु होइछे। नंबर 6, एग्जिट पोल अधा रहिबो बीजेपी रो बेंगल दखल स्वप्न। कोरोना संक्रमण भितर हाई वोल्टेज प्रचार और रोड शो करी बेंगल क्षमता दखल करने को उद्यम करुवा बीजेपी को लगे शक्त झटका। बेंगल पुणी 5 वर्ष शासन मंग धरिबे ममता बानर्जी। टीएमसी रो शताधिक नेतांक विद्रोह तथा दलीय कंदल सत्वे बेंगल ममतांक जादू देखा मिलिबो। केवल रिपब्लिक टीवी और जन की बात को छाड़देले सबू न्यूज चैनल ममता बाजीमात करेंगे बोली एग्जिट पोल रिपोर्ट आकलन करिछन्ते। नंबर 7, एग्जिट पोल आसाम रे फेरिबो बीजेपी। गतकाल पश्चिमबंग शेष पर्याय भोट ग्रहण सहित 4 राज्य और 2 केन्द्रशासित अंचल अनुषित विधानसभा निर्वाचन बाहुडा मत बा एग्जिट पोल फलाफल प्रकाश पाई। इंडिया टुडे माय एक्सिस माय इंडिया एग्जिट पोल अनुसार आसाम रे पुणी बीजेपी क्षमता को प्रत्यावर्तन कर। राज्य में मोट 126 आसन बीजेपी 75-85 आसन जितबार संभावना थी बेले कांग्रेस 40-50 आसन जितब गोटीर 2 आसन जितबार संभावना रही। नंबर 8, महाराष्ट्र में मे 15 पर्यंत बढ़ला लॉकडाउन। संक्रमण संख्या बढ़िबार महाराष्ट्र में मे 15 तारीख पर्यंत बढ़ला लॉकडाउन। महाराष्ट्र में गत 24 घंटा मध्य 66,669 जन नूतन कोविड संक्रमित चिन्ह होता बेले 771 जनक मृत्यु होगापर महाराष्ट्र सरकार एपरी निष्पत्ति।
नंबर 9 कोरोना को मात दे घर को फेरिले मनमोहन सिंह महामारी कोरोना रे आक्रांत होइतिबा पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एबे स्वस्थ होइ जेछथि ताकर दुईटी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आसीबार गतकली तांको एम्स कर्तव्यपक्ष हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज करछथि से संपूर्ण भाबरे कोरोना को मात देथिबार हॉस्पिटल पक्ष रही एपरि पदक्षेप नै जेछि से गतकली हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होइतले हे तांको किछि दिन होम आइसोलेशन रो विश्राम नेबाक पई परामर्श दे जेछि एप्रिल 19 तारीख रे तांको एम्स रो ट्रॉमा सेंटर रे भर्ती करा जेथला मार्च 4 तारीख रे श्री सिंह कोवैक्सिन कोरोना टीकार प्रथम डोज हम एप्रिल 3 तारीख रे द्वितीय डोज नहीं तथा से एप्रिल 19 तारीख रे कोरोना रे संक्रमित होइतबार जणा पड़ीथला नंबर 10 सात विकेट रॉयल्स को हराइला रोहित बाहिनी लगातार दुईटी मैच हारिबा परे डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस चलित आईपीएल रे विजय ट्रैक को फेरी गतकाली खेला जाइथिबा प्रथम मैच रे क्विंटन डिकॉक एवं रोनाल्ड पांड्या दमदार बैटिंग बल रे मुंबई इंडियंस सात विकेट राजस्थान रॉयल्स को परास्त करिछि प्रथमे बैटिंग करिथिबा राजस्थान रॉयल्स 4 विकेट हराइ 171 रन करिथिला जवाब रे मुंबई इंडियंस 18 ओवर 3टी बल रे 3 विकेट हराइ 162 रन करी विजय होइछि मुंबई पक्षरु डिकॉक सर्वाधिक 70 रन करिथिबा बळे क्रोनल मध्ये 39 रन रो उपयोगी इनिंग्स खेळि मुंबई को विजयी कराइछन्ति राजस्थान पक्षरु क्रिस मॉरिस को छाडी देले अन्य कोनोसी बॉलर मुंबई रो बैटिंग रे अंकुश लगाई पारे नाहंती नंबर 11 कलिकता को 7 विकेट रे मात देला दिल्ली कैपिटल्स कालीर द्वितीय मैच रे बाजी मारिला दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शंख दमदार बैटिंग दल को सहज विजय आनी दिछि कलिकता को मात देबा सहित चलित सीजन रे पंचम विजय हासिल करिछि डीसी कलिकता प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित ओवर रे 6 विकेट हराई संग्रह करिथिला 154 रन ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स को जितिबा को दरकार थिला 155 रन 132 रन रे दल को प्रथम झटका लागिथिला 47 बॉल रे 46 रन करी पिविलियन फेरिथिले शिखर धवन परे परे 41 बॉल रे 82 रन करी कैच आउट होइथिले पृथ्वी शॉ 150 रन बेळ को अधिनायक ऋषभ पंत 16 रन करी आउट होइथिले 16 ओवर 3टी बॉल रे दल विजय हासिल करिछि 7 विकेट रे केकेआर को मात देछि दिल्ली कैपिटल्स नंबर 12 भारत छाडीबा को निजो देशर नागरिकों को कहिला अमेरिका भारत रे कोरोना संक्रमण मामला वर्तमान बढ़ी चलीथिबा बळे विभिन्न राष्ट्रर नुआ दिल्ली प्रति सहयोग हात बढ़िछि तथापि भारतर स्थिति भयंकर होथुबारो अमेरिका पक्षरु गतकाली बड़ निष्पत्ति नै जायछि अमेरिका पक्षरु भारतरे थिबा निज देशर नागरिकको स्वदेश तुरंत फेरि आसिबाको परामर्श दिए जायछि सेहिपरि भारतको वर्तमान स्थितिरे अमेरिका माने बोलिबाको जातु नहीं बोली वाशिंगटन कहिछि अमेरिका पक्षरु निज देशर नागरिकको पई 4 नंबर ट्राभेल सतर्कता जारी करा जायछि एथिरे कहा जायछि जे अमेरिका नागरिक माने वर्तमान कोरोना स्थितिरे भारत गस्तरे जातु नहीं सेहिपरि भारतरे थिबा नागरिक मानको यथाशीघ्र अमेरिका फेरि आसिबाको मध्य एथिरे कहा जायछि नंबर 13 3000 पाखापाखी कोरोना आक्रांत निखोज खोजुची पुलिस सरकारी कर्तृपक्ष माने कोविड संकट मुकाबला करी भाराक्रांत होइतिबा बळे बेंगलुरु सहररु चिन्हट होइतिबा प्राय 3000 संक्रमित व्यक्ति एबे निखोज होइछन्ते समानक मध्ये अधिकांशर फोन स्विच ऑफ रहिछि फळरे निखोज आक्रांत मानकर संधान निमते सरकार पुलिसर सहायता नेछि कर्णाटकर राजस्व मंत्री आर अशोक दाबी करिछन्ति जगत अल्प किछि दिन हेबो राज्यरे द्रुत संक्रमण वृद्धि पाइछि ए निखोज व्यक्ति माने ही राज्यरे संक्रमण विस्तार करुछन्ति बोली कहिछन्ति नंबर 14 कोरोना टीका पई क्रेज प्रथम दिन रे पोर्टल क्रैश देशरे टीकाकरण हेले कोरोना को मात दै हेबो तेणु सरकार एबे मे 1 तारीख रु तृतीय पर्याय टीकाकरण आरंभ करबाकु जाउछन्ति प्राप्त वयस्क अर्थात 18 रु 45 वर्षर व्यक्ति एही टीकाकरण रे शामिल होइ पारिबे या पूर्व बुधवार कोविन ऐप रे पंजीकरण आरंभ होइ जाइछि पंजीकरणर प्रथम दिन 33 नियुत लोक पंजीकृत करिछन्ते एते संख्यारे पंजीकरणर स्पष्ट होइछि जे लोकमाने टीकाकु नै सकारात्मक रहिछन्ते आ उत्साह मध्य रहिछि कोविन आपरे चेयरमैन आर शर्मा ट्वीट करी कहिछन्ते जे कोविन रे 1 कोटी 33 लक्ष लोक पंजीकरण करिछन्ते सेहिपरि 2 कोटी 78 लक्ष एसएमएस मध्य पठा जाइछि नंबर 15 कोवासिल परे कोवासिन टीकार दाम मध्य कमिला महामारी कोरोना संक्रमण भितरे लोकों को आश्वस्ति करबा भली खबर आसीछे पूर्वरु सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवासिल टीकार दाम ह्रास करथिबा बळे गतकाली कोवासिन टीका प्रस्तुत करथिबा भारत बायोटेक समान पदक्षेप नैछे गतकाली भारत बायोटेक कोवासिन टीकार डोज पिछा दर ह्रास करिछे पूर्वरु कंपनी राज्यगुडी को कोवासिन टीका डोज पिछा 600 टंका रे बिक्री करबा बोली कहिथिला हेले एहाकु डोज पिछा 400 टंका को ह्रास करिछे यार अर्थ राज्य सरकार माने कंपनी को डोज पिछा 400 टका दे एहाकु सीधा सड़क किणी पारिबे देखिबा शेष खबर पुरी रे अपराह्न 2टा रु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद आज ठारु पुरी रे अपराह्न 2टा रु सकाळ 5टा पर्यंत समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखिबाकु एकाधिक व्यवसायी संघ निष्पत्ति नेछन्ते कोरोना संक्रमण को देखि एभळि निष्पत्ति ने जायथिबार कहा जाउछि ए बंद निष्पत्ति पुरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्रेडर्स आसोसिएसन पक्षरु पुरी एसपी को अवगत करा जाइछि एथिरे श्रीक्षेत्र वेजिटेबल होलसेल आसोसिएसन बड़ संघ मा संखेश्वरी व्यवसायी संघ
बड़गंडी मार्केट व्यवसायी संघ सर्वद्वार मार्केट व्यवसायी संघ सामिल हो प्रतिष्ठान बंद रखा निष्पत्ति मेडिसिन एलपीजी गैस वितरण और पेट्रोल पंप को बाद दिया जाए।